An engine has an efficiency of 1/6. When the temperature of sink is reduced by 62 degrees Celsius, its efficiency is doubled. Temperature of the source is. तो क्या दिया देखो, efficiency of engine दिया कितना होता है 1 - T2/T1, where T2 is a temperature of sink and T1 is a temperature of source, right? Okay. तो पहले केस में क्या दिया, efficiency is 1/6 is equal to 1 - T2/T1. इसको ऐसे ही रखो, आगे जाके काम में आएगा ये. बाद में क्या बोला है, इट्स इफिशियंसी डबल, तो ये 2 × 1/6 इज इक्वल टू 1 - T2. टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस बाय 62, तो T2 - 62 डिवाइडेड बाय क्या है, T1. तो ये है 2 / 6 इज इक्वल टू 1 - T2/T1 प्लस 62 / T1 आएगा. तो 1 - T2/T1 तो यहाँ पर है, कितना है 1/6, तो 2/6 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 62 / T1. तो ये क्या आ जाएगा, 62 / T1 इज इक्वल टू 2/6 - 1/6. तो T1 क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू 62 × 6, विच इज इक्वल टू कितना होगा ये, 62 × 6 = 372 केल्विन, राइट. तो 372 केल्विन, अच्छा ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है, तो अगर इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 372 - 273 इज इक्वल टू 99 डिग्री सेल्सियस. तो 99 डिग्री सेल्सियस मीन्स ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन.